सो ये मदनपुर रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है और यहाँ एक नंबर प्लेटफॉर्म पे शांतिपुर लोकल जो है आ चुकी है। और अगर अप में जाओगे तो पालपाड़ा रेलवे स्टेशन और डाउन में जाओगे तो कल्याणी रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ मदनपुर का बोर्ड है और यहाँ पे एक कृष्णनगर सिटी लोकल एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो चलिए इस स्टेशन पे कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं रुकती है इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके इस चैनल अपुन का ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मदनपुर रेलवे स्टेशन का ब्लॉग। तो चलिए इस वीडियो में मदनपुर रेलवे स्टेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मदनपुर से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर कोई क्वायरीज हो तो भी आप बताना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मदनपुर रेलवे स्टेशन के बगल में ही यहाँ पे एक रेलवे फाटक है, यहीं से मेन रास्ता जाता है और ये आपका मदनपुर का एंट्री है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा, क्या है नहीं है कैसे है सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर का ऑफिस आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जय माँ तारा होटल भी है, फल फूल सभी मार्केट है, फल फूल का दुकान है। तो चलिए अब लोग स्टेशन में एंट्री लेते हैं। सो ये देखिए, ये मदनपुर में रेलवे स्टेशन का जो टिकट काउंटर है और यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड टिकट भी आपको अगर मिल जाती है। और यहाँ पे चलिए टिकट काउंटर है तो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म और दो नंबर ही प्लेटफॉर्म, दो ही प्लेटफॉर्म है। तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म में क्या है, कैसे कौन सी ट्रेनें आती है नहीं आती है रुकती है, कौन सी ट्रेनें पकड़ कर आपको मदनपुर आना है सब कुछ बताऊँगा। तो अगर आपने अदर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, श्याम नगर का, चकदा का वगैरह और सब वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद चकदा रेलवे स्टेशन का भी वीडियो बन जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। ये मदनपुर मदनपुर लिखा हुआ है इंग्लिश में, बांग्ला में और हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में है। सो अभी आप देख सकते हैं कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पे शांतिपुर लोकल आ चुकी है जो कि शांतिपुर जाने वाली है। सो आप ये देख सकते हैं ट्रेन की आवाज़ को आप लोग थोड़ा सुनिए, इसीलिए मैं आप लोग सुन सके इसीलिए मैं थोड़ा बोलना बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग ट्रेन की आवाज़ों को भी सुने। चलिए ओवर ब्रिज की तरफ। तो यहाँ पे अभी मैं ओवर ब्रिज पे आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे कौन सोया था, तो चलिए ठीक है। तो ऊपर में अभी मैं आपको अप एंड डाउन रेलवे स्टेशन के बारे में बता देता हूँ कि अप साइड में क्या आता है, डाउन साइड में क्या आता है। तो ये ओवर ब्रिज है, इस स्टेशन पे एक ओवर ब्रिज मिल जाएगा, एक से दो नंबर या दो से एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। सो ये जो आप देख रहे हैं ये अप लाइन है। अप में अगर आप जाते हो तो पालपाड़ा रेलवे स्टेशन आता है मदनपुर के, इधर ही आपका राना घाट सिमुराली वगैरह रेलवे स्टेशन आता है जो जिसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है मेरे चैनल पे, आप लोग जरूर से ज़रूर देख लेना। और भी वीडियोज बनती रहेंगी, आप लोग वो भी बताना अप स्टेशन में किधर से हो। तो अप में जाते हो तो पालपाड़ा रेलवे स्टेशन आता है और डाउन में अगर चलते हो तो आपको कल्याणी रेलवे स्टेशन आता है जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बन चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। इधर आप जाओगे तो कल्याणी, नहटी, हालीसहर, कांचड़ापाड़ा, कांकीनाड़ा, श्याम नगर, जगद्दर, इच्छापुर, श्याम नगर, बैरकपुर, पलता, टीटागढ़, खरदा, सोदपुर, आगरपाड़ा, बेलगड़िया, दमदम, विधाननगर, सियालदा, तो ये सभी आती है। और ये सभी रेलवे स्टेशन का वीडियो भी ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे अभी आप मैं आ चुका हूँ दो नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो दो नंबर प्लेटफॉर्म से भी मैं इस को आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो बाद में मैं बताऊँगा यहाँ से कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं रुकती है, वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीने का पानी भी है, इस स्टेशन पर आपको पीने का पानी मिल जाएगा। और आगे अगर आप जाओगे तो सब कुछ है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन स्टेशन है, एक और दो नंबर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शांत स्टेशन है और यहाँ पे सिर्फ लोकल ट्रेनें ही रुकती है। तो ट्रेन के बारे में बताता हूँ, वीडियो में बने रहना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मदनपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सब में लिखा हुआ है। सो आप लोग नहटी जंक्शन का भी वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका भी बन चुका है। सो ये मैं कुछ प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइनें हैं और अप में जाओगे तो कुछ लूप लाइनें हैं जहाँ पे मालगाड़ी वगैरह लगाने के लिए, गुड्स ट्रेन लगाने के लिए होती है। सो अभी आप एक नंबर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो कृष्णा नगर सिटी लोकल है, ये सियालदह कृष्णा नगर सिटी लोकल है जो कि मदनपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के संग शेयर कीजिए। बेलघरिया रेलवे स्टेशन का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना अगर आप मदनपुर से हो या कहीं से भी हो आप लोग कमेंट करके बताना और ये वीडियो कैसा लगा है उसका भी कमेंट करना। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें रुकती हैं, नहीं रुकती हैं, सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो चलिए अभी मैं ट्रेन्स के बारे में बता देता हूँ, यहाँ कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं रुकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लोकल ट्रेन की। तो यहाँ पे लोकल ट्रेनें, सभी तरह की लोकल ट्रेनें यहाँ पे रुक जाती है। और अगर आपको मदनपुर रेलवे स्टेशन पे आना है सियालदह से, अगर आप आना चाहते हो तो सियालदह से अगर आप आओगे तो रानाघाट शांतिपुर कृष्णनगर सिटी गेदे लोकल आप लोग पकड़ लेना, आप मदनपुर आ जाओगे। मेन लाइन में आप बैरकपुर लोकल, नहटी लोकल, बैंडल की तरफ जाने वाली लोकल, कल्याणी लोकल आपका मदनपुर में नहीं आएगी। तो इसके अलावा जो है शांतिपुर लोकल वगैरह आप पकड़ लेना, मतलब उसके अलावा आपका कृष्णनगर सिटी लोकल, शांतिपुर लोकल, गेदे लोकल, रानाघाट लोकल आपका मदनपुर रेलवे स्टेशन पे आती है और रुकती भी है, तो आप ये पकड़ लेना। और अगर टिकट की बात की जाए तो अगर आप यहाँ से सियालदह वगैरह से आते हो तो आपको 10 रुपये 15 रुपये का लगभग में टिकट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। और कहीं से भी अगर आप 5 से 6 स्टेशन हो तो 5 रुपया ही लगेगा और 10 से ज़्यादा स्टेशन हो तो 10 रुपया लगेगा। हाँ, तो आप लोग देख लेना कि मदनपुर रेलवे स्टेशन कितना स्टेशन दूर है आपसे, ठीक है। और फिर आप उधर रानाघाट वगैरह लोकल से अगर आप आओगे तो 10 रुपया नॉर्मली लगता है। तो और मेमू ट्रेन यहाँ पर कोई भी नहीं रुकती है। और एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं रुकती है। इधर पे कुछ ट्रेनें क्रॉस करती है, लाइक भागीरथी एक्सप्रेस हो गया, आपका लालगोला मेमू हो गया, लालगोला पैसेंजर हो गया, तो ये सभी ट्रेनें यहाँ से जाती हुई मिल जाएंगी थ्रू ट्रेन होकर, बट यहाँ पे रुकती नहीं है। तो अगर आपको मदनपुर में आना है तो आप लोकल ट्रेन ही पकड़ना, कोई एक्सप्रेस ट्रेन या मेमू ट्रेन ये मत ले लेना, आपको लोकल ट्रेन ही लेना होगा अगर आपको मदनपुर में आना है तो। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बता देना, मैं उसका कमेंट में आपका रिस्पांस कर दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और भी रेलवे स्टेशन का चैनल पे वीडियो बनाया, सियालदह, विधाननगर, दमदम, बेलघरिया, आगरपाड़ा, सोदपुर, खरदा, टीटागढ़, बैरकपुर, श्यामनगर, नैहाटी, कल्याणी, सिमुराली, रानाघाट, ये सभी का वीडियो बना हुआ है। चकदा का भी अपलोड होने वाला है, तो आप ये सभी वीडियोज़ भी आप लोग जरूर से ज़रूर हमारे चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बस इतना ही बताना था, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब से ज़रूर कर देना और चैनल पे सभी वीडियो देखना। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखेंगे, उन प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और नहटी का वीडियो तो बना हुआ है और सियालदह डिवीज़न का सभी स्टेशंस है, उसके बाद हावड़ा डिवीज़न है, और ट्रैवलिंग वीडियोज भी बना हुआ है, और लॉन्च घाट वगैरह का जो वीडियो होता है वो भी बना हुआ है। श्यामनगर, भदेश्वर, बाबू घाट, नहटी, चुंचड़ा, फेरी घाट का वीडियो बना हुआ है, सियालदह से नहटी, नहटी से सियालदह का ट्रैवलिंग ट्रेन का ट्रैवलिंग वीडियो बना हुआ है, कॉलेज स्ट्रीट का भी वीडियो बना हुआ है। तो ये सभी वीडियोज़ आप लोग देख लेना, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बता सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, आपके कमेंट का रिस्पांस किया जाएगा। और स्क्रीन पे जो जो वीडियोज देख रहे हैं, दिख रहा है, उसे क्लिक करके ज़रूर देखें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।